आज दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्टले दार्जिलिंग पहाड़ तराई र डुवर्स का क्षेत्र का जनता का दीर्घ प्रतीक्षित मांग पूरा गर्नका लागि स्थायी राजनीतिक समाधान सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गर्न केन्द्र सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन्। पहिले असम्भव ठानिएका मुद्दाहरूको सफलतापूर्वक समाधान देश का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नेतृत्व में सरकार द्वारा गरिएको प्रत्यक्षदर्शी हामी सबै छौं भनी उनले बताएका छन्। अनुच्छेद 370 समाप्त गरिनु बोडोल्यान्ड समस्या को समाधान र अहिलेसम्म अवहेलित रहेको पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को तीव्र गतिलाई देखेर गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी मुद्दा पनि चाँडै नै समाधान हुने ठूलो आशा हाम्रो क्षेत्रका जनतामा जागेको छ भनी सांसद बिष्टले संसदलाई जानकारी दिएका छन्। आजु बिष्टा धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने हर बड़े असंभव काम को संभव करके दिखाया है, चाहे वो धारा 370 का हटना हो, चाहे बोडोलैंड मुद्दे का समाधान या नॉर्थ ईस्ट में तेजी से हो रही विकास। सर, इन बदलावों से हमारे क्षेत्र के लोग, जो दार्जिलिंग तराई डुवर्स के जो लोग हैं, उनकी उम्मीद भी जगी है कि गोरखालैंड से संबंधित जो मुद्दा है उसका समाधान भी जल्द हो जाएगा। गोरखालैंड राज्य या गोरखा प्रदेश की मांग दार्जिलिंग हिल्स तराई डुवर्स के लोगों के लंबे समय से चली आ रही है, एक संवैधानिक मांग है। अतीत में दो बार 1988 में और 2011 में सरकार ने DGHC और GTA जैसे ऑटोनोमस बॉडी का प्रयोग करके कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह विफल रही। इस क्षेत्र की जनता की मांग और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को देखते हुए हमारी पार्टी ने 2019 में संकल्प पत्र में स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने की संकल्प भी लिया है। स्थायी राजनीतिक समाधान से न केवल चिकन नेक क्षेत्र में शांति समृद्धि और प्रगति होगी, सर एक दस सेकेंड, बल्कि इससे 1.5 करोड़ भारतीय गोरखाओं की आइडेंटिटी, भाषा और संस्कृति की संरक्षण भी होगी और उनका सपना पूरा होगा। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे का समाधान जल्द से जल्द हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय गोरखा।